कैपेबिलिटी में जाने वाले हैं। पीडीबी में जो सेक्शन डिवाइड किया होता है, किस प्रकार से सेक्शन डिवाइड किया रहता है उसके बारे में जानेंगे, और इसमें कितना सेक्शन है यूडीबी में, और किस प्रकार से ये सेक्शन को डिवाइड करके और हर एक जो एमसीबी होता है एमसीबी तक ये डिवाइड किया रहता है, लाइक जो फील्ड से जो केबल आता है उसके बारे में जानेंगे, और तमाम इससे जुड़े जो ये वीडियो में डाउट्स है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि देख सकते हैं ये इनकमर है, इनकमर आया, ये केबल आया, इनकमर जो इनकमर केबल है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इनकमर केबल जो है ये आ रहा है एसएमडीवी से आ रहा है, और ये जो केबल है ये 4 कोर का है, 4 कोर 16 mm का है, 16 square mm का, यानी 16 square mm का ये केबल है, और इस 16 square mm के केबल है यहाँ से ये आइसोलेटर हो गया, ये दिया आइसोलेटर, ये 14 mm का TPN आइसोलेटर है, और न्यूट्रल के लिए यहाँ पे एक ये लगाया गया है लाइक कनेक्टर लगाया है, तो यहाँ से आइसोलेट करके यहाँ से जो है आउट कर रहा है यहाँ सेक्शन में, तो ये इस सेक्शन के लिए ELCB लगाया गया है, इस ELCB को सेक्शन से डिवाइड करते हैं, लाइक यहाँ देख सकते हैं ये एक जो आइसोलेटर है आइसोलेटर से आउटपुट कर रहा है, तो यहाँ पे ELCB में आ रहा है, ELCB जो है ELCB 1 ELCB सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 सेक्शन 8 सेक्शन 6 सेक्शन 7 सेक्शन 7 हो गया, तो इस प्रकार से ये सेक्शन 7 तक किया गया है, एंड सेक्शन 8 सेक्शन 9 सेक्शन 10 ओके 5 का इसलिए डिस्टर्ब हो गया था 4 का, क्योंकि यहाँ से 4 यहाँ लगाया गया है फिर 5 से यहाँ पे स्टार्ट किया गया, ऑलराइट 4 यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, तो जैसे कि इसमें टोटल 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन है जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, और सभी सेक्शन में जो सर्किट है इधर में जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 सभी में एक एक सर्किट ओनली यूज किया गया है, जबकि दो जो है स्पेयर में स्पेयर मिस स्पेस है ये फ्यूचर लोड के लिए ये दिया गया है, ऑलराइट। तो सेक्शन 1 से यहाँ पे देख सकते हैं SEC 1 लिया, यानी सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 से एक सर्किट R का यूज किया गया ओनली, सेक्शन 2 को Y से यूज किया ओनली, सेक्शन 3 को ओनली B से यूज किया। इसमें आप दो केबल देख सकते हैं, लाइक ये दो केबल का मिस क्या हो गया, ये रिंग आया हुआ है, लाइक ये पावर टीवी है PDB है, तो ये दो केबल का मतलब हो गया रिंग आया हुआ है, रिंग सर्किट किया हुआ है, इसमें न्यूट्रल भी देख सकते हैं दो होगा, और इसका अर्थ जो होगा अर्थ भी यहाँ पे दो देखने को मिलेगा, ऑलराइट। तो जिसमें भी रिंग होगा उसमें दो दो करके वायर आया रहता है, जो भी ये पावर सर्किट का रिंग रहता है। देन आप देख सकते हैं सेक्शन 3 का हो गया, सेक्शन 4 का भी यहाँ R से आया हुआ है सेक्शन 4, देन सेक्शन 4 यहाँ पे है, ये सेक्शन 5 है इसलिए ये सेक्शन 5 का R से लिया है, और सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है वो स्पेयर में रखा गया है, यानी ये फ्यूचर लोड के लिए यहाँ पे वायर नहीं लग सॉरी एमसीबी नहीं डाला है, क्योंकि किस प्रकार से लोड आएगा उस हिसाब से यहाँ पे एमसीबी डालने का प्रयास किया जाएगा, ओके। एंड ये सभी हो गया, लाइक ये सेक्शन 4 का हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 4 का न्यूट्रल लिंक, सेक्शन 8 का न्यूट्रल लिंक, सेक्शन 9 का न्यूट्रल लिंक, सेक्शन 10 का न्यूट्रल लिंक, अदरवाइज जी भी ये जो सिंगल फेस का जो ये सेक्शन बना के रखा है उसके लिए सेपरेट इसके साथ में ही न्यूट्रल का जो है कनेक्टर डालने का ये लोग काम किया है, और उसी से एक साथ में ही टुगेदर ये लोग फेस और न्यूट्रल लिया गया है, ऑलराइट। तो सेक्शन 4 का देख सकते हैं, सेक्शन 4 का ये यहाँ पे सेक्शन 4 का है, तो सेक्शन 4 का आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेक्शन 4 लिखा है, सेक्शन 4 से 2 MCB लगाया गया है, लाइक इसमें R और B है, R और B दिया है, तो ये R और B का केबल आ गया, सेक्शन 8 से लगाया है इन्होंने, 2 3 फेज का ये MCB डाला है, NDTP डाला है 2 3 फेज का, ऑलराइट। लाइक देख सकते हैं RYB 4 RYB 5, ऑलराइट, ये 2 हो गया सेक्शन 8 से, एंड सेक्शन 9 से भी सेम है, 2 TP डाला है, 3 फेज MCB डाला है, और इसमें ये सेक्शन 9 हो गया, ऑलराइट। एंड सेक्शन जो 10 है, सेक्शन 10 में 1 डाला है 3 फेज TP एंड 2 सिंगल फेज MCB डाला है, ऑलराइट। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, और इसका जो अर्थ लिंक है सभी अर्थ लिंक को एक ही में लगानी यानी ये कनेक्ट किया गया है, यहाँ वहाँ से मेन जो आया हुआ है अर्थ आया हुआ है एक केबल के साथ आया हुआ है, ये अर्थ जो अर्थ पीट होता है उससे आने का लगाने का ये लोग काम करते हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।